सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिली पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी घर पर। पर इसमें आपको ना एक काम करना पड़ेगा। मुझे जो फर्स्ट टाइम मेरी फीलिंग थी, देन आई दैट थिंग्स आई वांट शेयर विद यू कि क्या होता है जब हम घर पे बनाने लगते हैं ऐसी चीज़ें। तो सब कुछ हमें लेकर आना पड़ता है, जैसे विनेगर हो गया, अपना सोया सॉस हो गया, अजीनोमोटो हो गया, काली मिर्च हो गई, और ग्रीन सॉस हो गई, रेड सॉस हो गई, चिल्ली वाली टमाटो सॉस, हनी चाहिए होता है हमें, तिल चाहिए होते हैं। दीज आर द इन्ग्रीडियंट्स विच वी नीड फॉर चिल्ली पनीर। हनी चिल्ली पटैटो, या चिल्ली चिकन बनाते हैं, या हम फ्राइड राइस बनाते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो क्या होता है, अगर हम एक बार ले आते हैं तो 6-7 मंथ ईजिली इन सब चीज़ों से निकल जाता है। तो अगर आप भी एक बार ले आएंगे तो घर पे बनाएंगे, रोज़ हेल्दी हेल्दी डिशेज और खुद खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और अपनी फैमिली को भी खिलाएंगे। तो चलिए मैं अपनी ट्रिक्स बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ चिली पनीर। विदिन 20 मिनट्स में मैं चिली पनीर बना लेती हूँ ईजिली। आज मुझे थोड़ा वीडियो बनाना था तो ये थोड़ा खींच टाइम लगा मुझे, अदरवाइज़ 20 मिनट में कंटिन्यूसली अगर चिली पनीर बने तो हम बना सकते हैं घर में। तो चले लेट्स गो, मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया, 1 शिमला मिर्च, 3 प्याज, थोड़ा सा अदरक, 5-7 फलियाँ लहसुन की ली हैं, कुछ बीन्स ली हैं और एक गाजर। तो चले हमें ये सब चॉप करके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए सब मैं काट चुकी हूँ, मैंने ये चॉप कर लिए सब, जिंजर गार्लिक वगैरह सब, गाजर आपको जैसे करने कर सकते हो, और भी बारीक कर सकते हो, मोटा भी रख सकते हो, मैं इसी पोजीशन में रखती हूँ ये सब। अब मैं इसमें पनीर में ऐड करने लगी हूँ कॉर्नफ्लावर, मैदा और थोड़ा सा अजीनोमोटो। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 1 चम्मच, मैदा लिया है मैंने 2 चम्मच, अब मैं ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं पनीर में ये सब ऐड करने लगी हूँ। ये है कॉर्नफ्लावर, ये मैं लूँगी एक चम्मच, ये हो गया, और हाफ और ये हो गया 1.5 स्पून, और ये 2 चम्मच मैदा है, 1 अप्रॉक्स 1 और आएगा ये, बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी मैं अजीनोमोटो, बिल्कुल जस्ट लिटिल बिट अजीनोमोटो। काली मिर्च डालूंगी टेस्ट के अनुसार, आप डाल सकते हैं अपने लिए, आप स्पाइसी खाते हैं या लाइट, मैं हल्का रखूंगी। और सॉल्ट भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना जितना आपको लेना है, क्योंकि अभी उसमें भी जाएगा सॉल्ट, तो इसमें भी उसी हिसाब से हम डालेंगे, दोनों में सॉल्ट जाएगा। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ इसको, अब मैं यहाँ तेल रख दिया, मैंने गर्म हो चुका है मेरा तेल, मैं तेल पहले रख दिया था, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से हल्के से गोल्डन ब्राउन और करूँगी, फिर मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए ये हो चुके हैं, मैंने बाहर निकालने लगे हैं, ये फ्राई हो चुके हैं। हम मैंने उसी कढ़ाई में से तेल कम करके ना उसी में ही तड़का लगा लूँगी, उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। तो मैं लहसुन डाल रही हूँ सबसे पहले, तेल ऑलरेडी हमारा बहुत गर्म था, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसका ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या मज़ा नहीं आता। वो फैसला था मैं वैसे दूसरा वाला तड़का लगा दिया, मज़े इतना हो गया। मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, प्याज के साथ ही मैं डाल दूँगी अदरक, बीन्स और गाजर, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है ना, तो इसलिए मैं प्याज के साथ ही इनको भून लूँगी एक साथ ही। क्योंकि चिली पनीर में क्या होता है कि हमें खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करती हूँ, ये चीनी मोटो था जो बच गया था, इसे मैं ऐड कर दूंगी
थोड़े से सोया सॉस, थोड़ी सी चिली, क्योंकि बहुत सारी चिलीज हो जाएंगी इसके अंदर। वह आप देखेंगे, आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो आप ज़्यादा कर सकते हो स्पाइसी अपने अकॉर्डिंग। थोड़ी सी ये रेड वाली चिली डाल रही हूँ, हाफ हाफ स्पून। थोड़े से विनेगर, मतलब एक स्पून ले लूँगी विनेगर में। इसी में ही मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लूँगी, बस इतने से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इसमें मिर्ची हो चुकी हैं। इसी में ही मैं थोड़ा सा हनी ऐड कर लूँगी, अप्रोक्स 2 स्पून, क्योंकि ये मीठा अच्छा, थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है इसलिए। और इसी में ही मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल लूँगी, अप्रोक्स 1/4 स्पून। सॉस में सॉल्ट में इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी अजीनोमोटो में भी सॉल्ट होता है, उसमें भी सॉल्ट डल चुका है, पनीर में भी, इसमें भी सॉल्ट डल चुका है, तो इसलिए थोड़ा डाल रही हूँ। और इसी में ही मैं तिल डाल दूँगी थोड़े से, मैंने एक ही साथ इकट्ठे ही यहाँ पे सब इकट्ठा कर लिया क्योंकि दिक्कत ना हो, तो अब ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। मेरे ये भून चुकी है तो ये सब मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ, अजीनोमोटो सॉसेस सब कुछ ऐड कर देती हूँ। और 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें टमाटो सॉस डाल दूँगी, अगर आपको ग्रेवी करना है तो इसमें डाल सकते हैं आप वाटर, अगर नहीं करना है तो ऐसे ही पानी डालें। मैं अब इसमें ऐड करने लगी हूँ, साथ में मिक्स हो जाएगा सारी सॉसेज इसमें। देखिए ये बन चुका है, अब डन। अब मैं आपको प्लेटिंग पे मिलती हूँ प्लेटिंग करके। तो ये देखें, इट्स रेडी टू हैव। कितनी देर लगी हमें बनाने में? 20-25 मिनट्स टोटली आई थिंक लगे होंगे, हार्डली, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है तो मुझे टाइम लगा। अगर मेरे को वीडियो ना बनाना होता मैं क्विकली बना देती हूँ फटाफट।